नीतीश और बीजेपी सरकार के एक साल, साल भर में पब्लिक खुशहाल या फिर है बेहाल। सीट बंटवारे पर चल रहा है एनडीए में बवाल। 40 सीटों वाले बिहार के मूड की सबसे बड़ी पड़ताल, चित्रा त्रिपाठी के साथ मुजफ्फरपुर से लाइव। बिहार का नेता कैसा हो। नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और ये बड़ी कवरेज बिहार से इसलिए हम लेकर आए हैं आपके सामने क्योंकि बीजेपी और नीतीश सरकार को एक साल होने जा रहे हैं। इन एक सालों में बिहार बदहाल या फिर बदल गया है यहाँ का हाल, क्या राजनीति की तस्वीर बदली हुई है और बिहार के आए हैं अच्छे दिन, इसी की बड़ी पड़ताल हम करने वाले हैं मुजफ्फरपुर से। यहाँ की जनता हमारे साथ मौजूद है जिनके सीधे सवाल होंगे, नेता इस मंच से देंगे जवाब। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें 2019 के चुनावों के मद्देनजर इस वक्त हर एक राजनीतिक दल जनता को लुभाने के लिए अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रहा है और इसी सिलसिले में आज 4 बड़ी खबरें कौन सी हैं, सबसे पहले उस पर एक नजर। आज कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है जिसमें 2019 में जीत के फॉर्मूले पर बात हुई। बड़ी बात यह कि गठबंधन बनाने और राहुल को गठबंधन का नेता बनाने की वकालत हुई है। राहुल गांधी को गठबंधन का नेता बनाने पर बीजेपी ने चुटकी ली है, कहा यह आत्मघाती कदम, खुद भी खत्म होंगे और दूसरों को भी खत्म करेंगे। उधर राजस्थान में एक बार फिर वसुंधरा राजे पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। वसुंधरा क्यों बीजेपी की है मजबूरी, ये बताएंगे आपको आगे। और साथ ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा को लेकर राजनीति हो चुकी है यहाँ पर गर्म। आज तेजस्वी यादव ने नीतीश पर ये कहते हुए तंज किया कि वो किससे विशेष राज्य का दर्जा लेंगे, ट्रंप से, पुतिन से या फिर शी जिनपिंग से। तो ये आज की 4 बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से आपको हम जानकारी देंगे। लेकिन शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। 2019 के चुनाव को जीतने के लिए आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की बड़ी बैठक हुई है और इस बैठक के जरिए कांग्रेस के बड़े नेताओं की ओर से गठबंधन की वकालत की गई और यहां तक कह दिया गया कि गठबंधन का नेता राहुल गांधी को बनाया जाए। अब सवाल यह है कि बाकी लोग तैयार होंगे क्या। फिलहाल पी चिदम्बरम पूर्व वित्त मंत्री की ओर से 2019 जीतने के लिए क्या दिया गया है फॉर्मूला, यह रिपोर्ट देखिए। इस प्रस्ताव के बहाने अपने कुनबे को जो जमाने की कोशिश की है कहीं बिखर न जाए इसकी चिंता पड़ी। एक मोदी को हटाने के लिए जिसके साथ कभी देखने का संबंध नहीं, मिलने का संबंध नहीं, ऐसी धरियों को इकट्ठा करने का प्रयास हो रहा है। मैं 125 करोड़ देशवासियों को भी प्रार्थना करता हूं, आपको इतनी शक्ति दें, इतनी शक्ति दें कि 2024 में फिर से आप अविश्वास प्रस्ताव ले आए। कोई दल, और अब तो एक दल नहीं, दल के साथ दल, दल के साथ दल, जब दल के साथ दल हो तो दल दल हो जाता है, दल दल हो जाता है। और जितना ज्यादा दलदल होता है उतना ज्यादा कमल खिलता है। जिस तरह से पीएम मोदी विपक्ष पर आक्रामक तरीके से वार कर रहे हैं उससे पूरे विपक्ष में बेचैनी बढ़ गई है। 2019 में मोदी की जीत की राह में रोड़ा अटकाने के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। दिल्ली में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में मोदी को मात देने का प्लान कांग्रेस ने तैयार कर लिया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है, हमें पार्टी का वोट बैंक बढ़ाना होगा, कांग्रेस पार्टी से अलग हुए वोटरों को जोड़ना होगा, कार्यकर्ताओं को हर संसदीय क्षेत्र में जाकर काम करना होगा, जनता के बीच जाकर लोगों का विश्वास हासिल करना होगा। देश की 64% आबादी पर बीजेपी का कब्जा है और जिस तरह से बीजेपी एक के बाद एक कांग्रेस के किले को फतह कर रही है, ऐसे में कांग्रेस की चिंता बढ़ना लाजमी है। बीजेपी के विस्तार पर विराम लगाने के लिए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने एक फॉर्मूला भी पेश किया। 12 राज्यों में कांग्रेस अपने दम पर 150 सीट जीत सकती है, बाकी राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन के सहारे 150 सीट ला सकती है, बीजेपी को रोककर सरकार बना सकती है कांग्रेस। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल, कर्नाटक, पंजाब, असम जैसे राज्यों में कांग्रेस सीधे मुकाबले में है, बाकी राज्यों में कांग्रेस
क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी। बैठक में गठबंधन की अहमियत पर जोर दिया गया, लेकिन कहा गया कि उसके केंद्र में कांग्रेस हो और चेहरा राहुल गांधी हो। कांग्रेस के प्लान पर बीजेपी ने तंज कसा है। बट अगर मजाकिया अंदाज में मैं कहूं तो इतना ही कहूंगा दो शब्दों में कि कांग्रेस हैज डिसाइडेड टू प्ले द रोल ऑफ अ सुइसाइड बॉम्बर, कि हम उड़ा देंगे सामने वाले को, खुद तो उड़ेंगे मगर सामने वाले को उड़ाएंगे और देश के विकास को उड़ा देंगे। पार्लियामेंट में जाके प्रधानमंत्री जी के गले तो पड़ सकते हैं, लेकिन ये देश की जनता 2019 के चुनाव में उनको अपने गले नहीं पड़ने देगी, ये बात तय है। ये हताश और निराश कांग्रेस है जो केवल 150 सीटों का लक्ष्य रखती है। ऐसी पार्टी, इस हताश निराश कांग्रेस को इस देश की जनता किसी हालत में चुनने वाली नहीं है। इससे पहले गठबंधन को लेकर हो रही चर्चा पर सोनिया गांधी ने कहा, लोकतंत्र को बचाने के लिए एक विचार वाली पार्टियों को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं छोड़कर साथ आना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी मोदी सरकार की योजनाओं पर सवाल उठाते हुए कहा, 2022 तक सिर्फ जुमलों के सहारे किसानों की आय दोगुनी नहीं हो सकती है। कृषि में 14% की विकास दर हासिल किए बिना यह संभव नहीं है। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने पीएम मोदी का नाम लेने से परहेज किया। कांग्रेस के दिग्गज जिस महागठबंधन के मेगा प्लान का खाका खींचने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी संभावनाओं पर सवालिया निशान उनकी पार्टी के सीएम ने लगा दिया। आम आदमी पार्टी तो हमारे पास है नहीं, ना हमारे पास बीएसपी है हमारे पंजाब में। जो नेशनल लेवल पे करते हैं दैट इज व्हाट कांग्रेस करता है, आई कैनॉट से, बट पंजाब में ये दोनों पार्टी एग्जिस्ट करते हैं। यानी पंजाब में कैप्टन आम आदमी पार्टी से हाथ मिलाने को तैयार ही नहीं है। ऐसे में कांग्रेस का मोदी को रोकने का प्लान कितना कारगर हो पाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन राजनीति में ना तो कोई स्थायी मित्र होता है ना ही कोई स्थायी शत्रु। अगर महागठबंधन बनने से पहले ही दिलों में कसक होगी तो मोदी को हरा पाने का लक्ष्य भटक सकता है। कांग्रेस पार्टी के लिए गठबंधन है जरूरी, लेकिन क्या दूसरी पार्टियों के लिए राहुल गांधी बनेंगे मजबूरी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। चलिए मुजफ्फरपुर के जो लोग मौजूद हैं उनसे हम सीधा सवाल करते हैं। खड़े हो जाइए सर, राहुल गांधी को लेकर आप अपनी बात रख रहे थे, गठबंधन का नेता होना चाहिए राहुल गांधी को? किसी भी हाल में नहीं, वो मंडल के नेता लायक नहीं है। गठबंधन का नेता कहां से हो जाएगा, नेता कहां से हो सकते हैं? आप खड़े हो जाइए, राहुल गांधी को बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, जो परिस्थितियां हैं स्थितियां हैं। राहुल इंतजार कर रहा है नरेंद्र मोदी को गद्दी हटाने के, मिलने का शांति का संदेश उन्होंने दिया है और मिल करके इतिहास रचेगा राहुल गांधी। जंग का दुश्मन अमन का साथी हिंदुस्तान हमारा है, हम सब है कांग्रेसी, जय हिंद हमारा नारा है। माइक पकड़ लेंगे, पूरा भाषण देना ही शुरू कर देंगे। चलिए यहाँ पर दो लोगों की राय निकल कर सामने आई है, एक ने कहा है कि बिल्कुल नहीं, दूसरे ने कहा है कि बहुत जरूरी है राहुल गांधी महागठबंधन के नेता बने। लेकिन इससे आगे चल के आपको बता दें, एक तरफ राहुल गांधी गठबंधन का नेता बने इसकी कवायद कांग्रेस पार्टी की ओर से शुरू की जा चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ मायावती के दिल में भी यही इच्छा है। आपको बताते चले 2014 के चुनाव में मायावती की बीएसपी ने यूपी में एक भी सीट नहीं जीती थी, लेकिन गठबंधन की राजनीति में अब उनके सामने भी बड़े सपने रख दिए हैं जिसे मायावती और उनकी पार्टी बीएसपी पूरा करना चाहती है। ये रिपोर्ट। जनता की नजर में बीजेपी जनहित, जन कल्याण व देशहित आदि के विरुद्ध एक जन विरोधी निरंकुश पार्टी और सरकार बनकर उभरी है, इसीलिए उसको सत्ता से यथासंभव दूर रखना अब जरूरी हो गया है और जिसके लिए ही विभिन्न राज्यों में विभिन्न पार्टियों से चुनावी गठबंधन या समझौता करने की नीति पर अमल किया जा रहा है। कर्नाटक में इसके अच्छे परिणाम निकले हैं और हरियाणा में भी बीएसपी इंडियन नेशनल लोकदल गठबंधन तेजी से अपनी राजनीतिक पैठ बना रहा है जिससे बीजेपी काफी ज्यादा परेशान है। बिहार के मुजफ्फरपुर में हम मौजूद हैं और आपको बता दें बिहार की राजनीति विशेष राज्य के दर्जे को लेकर एक बार फिर से परवान चढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तरफ जहां नीतीश की पार्टी का ये दावा है कि इस आग को हम बुझने नहीं देंगे, तो वहीं आज तेजस्वी यादव की ओर से पूछा गया है शी जिनपिंग से, ट्रंप से, आखिर किससे लेंगे विशेष राज्य का दर्जा। देखिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए नीतीश का संकल्प कमजोर नहीं हुआ है, बल्कि इस मांग को लेकर नीतीश अब और आक्रामक दिख रहे हैं। यहां तक कि जेडीयू ने ऐलान कर दिया है कि राज्य को स्पेशल स्टेटस दिलाने के लिए आंदोलन किया जाएगा और बिहार का हक लेकर रहेंगे। जाहिर है
विशेष राज्य के दर्जे की मांग केंद्र सरकार से की जा रही है। केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है उसी के सहयोग से यानी बीजेपी की मदद से नीतीश बिहार में सीएम बने बैठे हैं। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या जेडीयू अपने ही सहयोगी के खिलाफ आंदोलन करेगी? स्पेशल स्टेटस के लिए आंदोलन की चेतावनी वाले जेडीयू के बयान पर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने चुटकी ली है। तेजस्वी ने दिलचस्प अंदाज में सवाल किया, ये बताइए किससे हक लेकर रहेंगे, ट्रंप से, पुतिन से या शी जिनपिंग से? साहब ये नौटंकी, ड्रामेबाजी और अदाकारी छोड़िए, चंद्रबाबू नायडू की तरह रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर आंखों में आंख डालकर बात कीजिए। कुछ आंखों में पानी बचा है कि नहीं, या बिहारियों को टोटल बुर्बक समझ लिया है? तेजस्वी ने जेडीयू की इस मांग को नौटंकी करार देते हुए जेडीयू को एनडीए से अलग होने का चैलेंज तक दे दिया है। तेजस्वी के स्तंज के बावजूद जेडीयू अपनी मांग को जायज करार दे रही है। जेडीयू ने कहा कि स्पेशल स्टेटस उनका हक है और वो हार नहीं मानने वाले। बिहार के लोगों का अपराध क्या है? रोजगार के लिए निवेश चाहिए, निजी निवेश, और निजी निवेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। ये हमारी सर्वसम्मत मांग है। राष्ट्रीय जनता दल को स्वाभाविक रूप से उनको अपने पिता के जेल में विशेष दर्जा की चिंता होगी। किंग मेकर बने हुए थे, दिल्ली की सरकार थे, इस सवाल को गंभीरता से क्यों नहीं उठाया? अब सवाल है कि क्या विशेष राज्य के दर्जे की मांग बिहार की सियासत में किसी नए ट्विस्ट की वजह बनेगा? क्या नीतीश तेजस्वी के चैलेंज को स्वीकार करेंगे या फिर आने वाले दिनों में बिहार में भी दिल्ली स्टाइल वाली राजनीति दिखने वाली है? जानकार मानते हैं कि चुनावी मौसम में जेडीयू की तरफ से ये बयानबाजी सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या जेडीयू टीडीपी की तरह विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर एनडीए से अलग होने का साहस दिखा पाएगा? उत्कर्ष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज, पटना। अपने आप में बड़ा सवाल यही है जो तेजस्वी ने पूछा है, नीतीश कुमार ने क्या यहाँ की जनता को बुर्बक समझ लिया है? चले यहाँ के लोगों की क्या राय है वो जल्दी से जान लेते हैं। विशेष राज्य के दर्जे पर क्या सोचते हैं आप लोग? विशेष राज्य का दर्जा बिहार का हक है और ये मांग बहुत ही जायज है, नीतीश कुमार ने उठाया। मांगते ही रहे भाई, तो तेजस्वी पूछ रहे हैं, ट्रंप से लेंगे, पुतिन से लेंगे, जिनपिंग से लेंगे, किससे लेंगे? भाई हम लोग लेंगे, तेजस्वी यादव की जब सरकार आएगी तो वो लड़के लेगी केंद्र से विशेष राज्य का दर्जा। अच्छा। नीतीश कुमार के बस पे कुछ नहीं है, नीतीश कुमार के बस का कुछ भी नहीं है। इधर से एक लोगों की और प्रतिक्रिया, खड़े हो जाइए सर, कैसे मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा? विशेष राज्य की दर्जा में मिलने में कुछ संवैधानिक प्रक्रिया है जिसको पूरा करना अभी नामुमकिन है, इसलिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने जनता के बीच जाके बार बार क्यों बेवकूफ बनाया जाता है ये कहते हुए कि हम तो विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहे हैं? दर्जा मिलनी चाहिए बट अभी संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करनी है जिससे सभी को विशेष राज्य की दर्जा मिले, बट नरेंद्र मोदी की सरकार ने विशेष पैकेज देकर बिहार वाले को निहाल कर दिया है, यही नरेंद्र मोदी की सरकार की खासियत है। बिहार का नेता कैसा होगा, कारवा पहुंच चुका है मुजफ्फरपुर, यहां के लोगों के सीधे सवालों को मैं लूं, उसके पहले आपको लेकर चलते हैं राजस्थान। आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस पार्टी को करारी मात देने के बाद बीजेपी 2019 की चुनावी तैयारियों में एक और जुटी हुई है, तो इसी साल होने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है। यही बड़ी वजह है बीजेपी अध्यक्ष की ओर से आज वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम को एक बार फिर से जनता के सामने रख दिया गया राजस्थान में, ये कहते हुए कि यही बनेंगे मुख्यमंत्री। लेकिन वसुंधरा राजे क्यों है बीजेपी की मजबूरी, अब जरा वो जान लीजिए। तमाम कयासों के बीच ये अब साफ हो गया है कि राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अगुवाई में ही बीजेपी विधानसभा चुनाव में उतरेगी। इस बात की घोषणा कल जयपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक में की। हालांकि अलवर और अजमेर लोकसभा सीटों के उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर लंबी खींचतान के बाद सीएम का चेहरा बदलने की चर्चा होने लगी थी। अमित शाह की घोषणा के बाद राजस्थान बीजेपी में सारी अटकलों पर विराम लग चुका है और जल्द ही वसुंधरा राजे सुराज गौरव यात्रा पर निकलेंगी। सूत्रों के मुताबिक ये यात्रा राजसमंद जिले के चारभुजा मंदिर से 4 अगस्त को शुरू होगी। वो यात्रा भी निकलेगी और वो सारे संभागों में यात्रा निकलेगी, उसमें प्रयास यही किया जा रहा है कि 200 विधानसभाओं को कवर किया जा सके। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने एक लक्ष्य रखा है 180 प्लस का, उसको हम जीत कर बताएंगे। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी आलाकमान के सामने अड़ने वाली वसुंधरा राजे पर ही अमित शाह क्यों सियासी दाव लगा रहे हैं? इसकी बड़ी वजह यही है कि 2 बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा से बड़ा नेता राजस्थान में बीजेपी के पास नहीं है।
वसुंधरा से बड़ा ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसका पूरे राजस्थान में प्रभाव हो। महिला होने के नाते महिलाओं से बहुत आसानी से कनेक्ट कर पाती हैं वसुंधरा। इसके अलावा वसुंधरा एक साथ तीन बड़ी जातियों को साधने की कला जानती हैं। वो खुद को राजपूतों की बेटी, जाटों की बहू और गुजरों की समधिन बताकर वोट लेने की कोशिश करती रही हैं। पार्टी के अंदर वसुंधरा की तगड़ी पकड़ है। आज भी बीजेपी के 160 विधायकों में से 100 से ज्यादा वसुंधरा समर्थक माने जाते हैं। बीजेपी को लगता है कि वसुंधरा राजे की रथ यात्रा से एंटी इनकम्बेंसी से निपटने में मदद मिलेगी। हालांकि बीजेपी इसे सरकार के जन कल्याणकारी कामों का प्रचार कह रही है। दिलचस्प यह है कि विरोधी कांग्रेस को भी वसुंधरा का नाम रास आ रहा है। वसुंधरा जी ने एक तरह से केंद्रीय नेतृत्व को आईना भी दिखाया, जब प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति 74 दिनों तक नहीं हुई, तो ये सब इस बात का गवाह है कि एक इम्पोजिंग लीडरशिप केंद्र के सामने उन्होंने प्रस्तुत कर दी, इसलिए बनाया। लेकिन इसका एक अर्थ या एक फायदा जो कांग्रेस को मिलने वाला है वो सीधा ये कि वसुंधरा राजे की सरकार के खिलाफ आक्रोश है पूरे प्रदेश में। मैं समझती हूँ वसुंधरा राजे को चेहरा बनाने से प्रदेश कांग्रेस को और प्रदेश की जनता जो है उसको भी यही फायदा है कि इसकी विदाई जो है भारतीय जनता पार्टी को सुनिश्चित करने में उनको ज्यादा समय नहीं लगेगा। उधर कभी बीजेपी के बड़े नेता रहे घनश्याम तिवारी का दावा है कि वसुंधरा राजे ने अमित शाह को ना चाहते हुए भी झुकने को मजबूर कर दिया। इसकी वजह यह है कि वसुंधरा इन लोगों की कमियां जानती हैं और उसी का फायदा उठाती हैं, जिसका जिक्र वो अपनी किताब में भी कर चुके हैं कि कैसे 5 बार वसुंधरा राजे ने संसदीय बोर्ड को झुकाया। लेकिन वसुंधरा के नेतृत्व में इस बार सबसे बुरी हार होगी बीजेपी की। वसुंधरा राजे ने अमित शाह को नरेंद्र मोदी को झुकने के लिए बाध्य कर दिया और उनको ये कहने के लिए बाध्य कर दिया कि उनके नेतृत्व में चुनाव होंगे। वो नहीं चाहते थे लेकिन उनको करना पड़ा। वसुंधरा राजे के नेतृत्व में पहला चुनाव भी हारा था और हारने के बाद में 4 सीट लोकसभा की आएगी। मेरी आज की भविष्यवाणी है कि भारतीय जनता पार्टी को वसुंधरा के नेतृत्व में इतनी बुरी शिकस्त राजस्थान में मिलेगी जितनी इतिहास में कभी नहीं मिली। राजस्थान में हर 5 साल बाद सत्ता बदले जाने की परंपरा रही है, लेकिन बीजेपी आलाकमान को लग रहा है कि मोदी के भाषण और वसुंधरा के प्रशासन से परंपरा इस बार टूट जाएगी। मैं इस वक्त बिहार के मुजफ्फरपुर में हूं, जहां से बड़ी बहस की हम शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आपको लेकर चलते हैं पड़ोसी राज्य झारखंड की राजधानी रांची में, जहां से एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में एक पुलिसवाला दिखाई दे रहा है जो बार बार ये सवाल पूछ रहा है कि क्या मुसलमान होने की वजह से उसे इतना परेशान किया गया और यही उसका गुनाह है। इस वीडियो में डोरंडा थाने के थाना प्रभारी आबिद खान बेहद गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। गुस्सा इतना ज्यादा है कि वो चिल्ला चिल्ला कर बार बार ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या मुसलमान होना गुनाह है। हमारे एक कार्यकर्ता की हत्या हो गई थी, उसके बाद वो थानेदार तैश में आ गए थे। वो वीडियो हम लोगों ने भी देखा है। मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए अफसरों को भी, और परिजन दुख में उस समय संतप्त दुखी परिवार था, उन्हें भी थोड़ी बात को अपने मर्यादित तरीके से रखनी चाहिए थी। पहला इस पूरे मुद्दे का पटाक्षेप हो गया। सारे घटनाक्रम की हम लोग जांच कर रहे हैं और जो भी उसमें आवश्यक कार्रवाई होगी। शाम के 7:30 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और बड़ा शो बिहार का नेता कैसा हो वो आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है क्योंकि नीतीश और बीजेपी सरकार को यहां पर 1 साल होने जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में कितना बदला है बिहार, यही सवाल जानने और समझने की हम करेंगे कोशिश। मुजफ्फरपुर की जनता हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले जोरदार तालियां खुद के लिए। लोग अपने अपने सवालों के साथ तैयार हैं। मंच पर हमारे साथ तमाम दूसरे पार्टियों के नेताओं की मौजूदगी है, लेकिन उसके पहले आपको बता दें, दरअसल मुजफ्फरपुर को हमने इसलिए चुना है क्योंकि हाल ही में क्राइम का एक ऐसा मुद्दा यहां पर सामने आया है जिसने हम सबको शर्मसार करके रख दिया है। शेल्टर होम में छोटी छोटी बच्चियों के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ रेप का मामला सामने आया। अब सवाल यह है, जिस जंगल राज की बात नीतीश कुमार किया करते थे, सुशासन बाबू होने का दावा किया करते थे, उनकी नाक के नीचे इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है, इसके लिए जिम्मेदार
जिम्मेदार कौन है, जवाबदेही किसकी बनती है, इसी सवाल को आज यहाँ पर टटोलने की हम करेंगे कोशिश। जो खास मेहमान मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं, जल्दी से उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड की ओर से जिला उपाध्यक्ष सुबोध कुमार जी मौजूद हैं, बहुत स्वागत है सुबोध जी आपका। जेडीयू की ओर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुबोध जी, उनके ठीक बगल में आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर इकबाल मोहम्मद समी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर इकबाल आपका भी बहुत स्वागत है। बीजेपी की ओर से राम सूरत राय जी पूर्व विधायक और जिलाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और कांग्रेस पार्टी की ओर से सरोज तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सरोज जी आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत जेडीयू से मैं करना चाहूंगी, सर ये बताइए कभी इधर कभी उधर पलटू राम ये वो दुनिया भर के आरोप तो आपके ऊपर लग रहे हैं, एक जंगल राज भी बाकी रह गया था वो भी अब हो गया। बिल्कुल नहीं, बिहार में कानून का राज्य है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। अगर घटना घटी है तो उस पर कार्रवाई होगी। नीतीश कुमार, ये कौन सी कार्रवाई, 29 बच्चियों के साथ रेप के मामले सामने आए हैं, गंभीरता का अंदाजा है कि नहीं आप लोगों को इसका? जैसे ही हमें पता चला, जैसे मीडिया के माध्यम से पता चला, हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था तो है नहीं कि हमें पूर्व में यह अनुमान होगा। हाँ। लेकिन जब इसका उदाहरण नाक के नीचे सब कुछ होगा, आप लोगों को कुछ पता ही नहीं चलेगा, कैसी सरकार है आपकी? नहीं बिल्कुल, जैसे ही हमें पता चला, पूरी हमारे नेता ने इसको बहुत गंभीरता से लिया और पूरे निर्देश दे दिए गए, शासन के लोगों को बिल्कुल स्वतंत्र होकर कार्रवाई करने का आदेश है, इसलिए शासन वहां पे आदेश देते रहेंगे। मुख्यमंत्री केवल आदेश ही देंगे, आदेश से ही काम चलेगा। आपको बता दें इस पूरे मामले को लेते हुए तेजस्वी यादव की ओर से एक के बाद एक 7 ट्वीट भी किए गए हैं और निशाना साधा गया है सरकार के ऊपर, लेकिन वो कह तो रहे हैं कि पूरे मामले में सारे आरोपी पकड़े गए हैं, वो गिना रहे हैं, इससे संतुष्ट नहीं है आप लोग? देखिए यह अमानवीय घटना है और जो अब जिस तरह अभी जांच चल रही है काफी दिनों से, अभी तक पूरे लोग पकड़े नहीं गए हैं, इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए, इसलिए कि इसमें संलिप्तता यहाँ के तमाम वरीय पदाधिकारियों की है, पुलिस पदाधिकारियों की है। मिले हुए सारे लोग, आप ये कह रहे हैं मिले हुए? मिले हुए नहीं, पकड़े गए हैं, यहाँ के जो बाल पदाधिकारी हैं वो पकड़े गए हैं, जो बाल संरक्षक है वो पकड़े गए हैं, और ये लोग कह रहे हैं सरकार का कोई दोष नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा? इस राज्य के मंत्री से लेके अफसर तक को करते थे, मुख्यमंत्री को कैसे पता चलेगा? तो मंत्री से अफसर तक इसमें पकड़े जाएंगे, ठीक है, बड़े बड़े लोग इसमें पकड़े जाएंगे, लेकिन ये बताइए बीजेपी और कौन सा बेटी बचाओ है बिहार में, कौन सा बेटी बचाओ है? मैं बताना चाहता हूँ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ये हमारा नारा है और उसी के तहत केवल नारा ही लगाएगा आप लोग, केवल नारा ही लगाएगा आप? नारा के साथ बात तो सुनिए, बात सुनने की भी जरूरत कीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि आज यही सरकार है कि सजा हो रही है, लोग पकड़ा रहे हैं, लोग जेल जा रहे हैं, लोग उस पर कार्रवाई हो रही है। पहले की सरकार कुछ पता भी नहीं चलता था कि किसकी बेटी के साथ क्या हत्या हुआ है, अपहरण हुआ है, लेकिन हमारी सरकार है, हमारी गठबंधन की सरकार है कि जो जर्नलिस्ट भी हो कोई भी हो सजा देने के लिए तैयार। सांसद ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार में तो पता भी चल रहा है, वो आपके जो सहयोगी हैं आरजेडी उनकी सरकार की थी तो पता ही नहीं चलता था? देखिए पता चलने की बात ही नहीं है, इनकी सरकार में ये हो रहा है कि जो आरोपी है वही जांचकर्ता बन जाता है और इस वजह से किसी को कोई सजा मिलना ही नहीं है। और अपराध का ग्राफ अगर आप देखेंगी, 2001 में जब ये महाजंगल राज कहा करते थे तब 2001 में जो ग्राफ था उससे 86% ज्यादा 2018 में अपराध का हर मामले में ग्राफ है। ये बात सच है कि लगातार अपराध के आंकड़े यहाँ पर बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। जहानाबाद से एक तस्वीर सामने आई जिसने सबको विचलित किया, गया से तस्वीर आई जिसने सबके ऊपर ये सवाल खड़ा कर दिया कि बिहार में वास्तव में सुशासन राज चल भी रहा है या फिर नहीं। छपरा से ही ताजा मामला सामने आया है और ये शेल्टर होम जिसकी बात हम कर रहे हैं ये तो सिर्फ अब मुजफ्फरपुर तक सीमित नहीं रह गया है, अलग अलग दूसरे हिस्सों को भी अपनी चपेट में ले रहा है और वहां से भी मामले सामने आ रहे हैं। फिलहाल अब जनता के सवाल खड़े हो जाइए। किससे पहले तो हम एबीपी न्यूज को धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं मुजफ्फरपुर जिला में आने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी के। शुक्रिया सर, सवाल मेरा एक ही है कि हमारे मुजफ्फरपुर जिला में इतने घटनाएं हो रही है, इतने अपराध हो रहे हैं, उनको महागठबंधन के नेता लोग देख नहीं रहे हैं, खाली इधर से उधर पलटू राम के तरह टोपी ट्रांसफर किया जा रहा है यहाँ पर टोपी ट्रांसफर किया जा रहा है? नहीं ऐसा नहीं है, जो भी हो रहा है वो जांच चल रही है, सरकार उस पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, जो लोग भी हैं मैक्सिमम लोग जेल जा चुके हैं। कह रहे हैं ये बताइए क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है, क्या हो गया अचानक बिहार को? क्राइम का ग्राफ अचानक बढ़ नहीं रहा है, धीरे धीरे उस पर नियंत्रण लाया जा रहा है, कुछ घटनाएं घटी हैं जिससे लग रहा है कि ग्राफ यहाँ बढ़ रहा है, वास्तव में अपराध पे नियंत्रण आ रहा है और अपराधी पकड़े जा रहे हैं। 29 बच्चों के साथ रेप हो जाता है, आप कह रहे हैं अपराध पर नियंत्रण हो रहा है? ये 29 बच्चों के साथ जो हुआ है
वो दानव है, इंसान नहीं है, और उस पर कार्रवाई हो रही है हर क्षण। एक नए पर कार्रवाई हो रही है, ये बोल रहे हैं उस पर कार्रवाई हो रही है, बताइए सर क्या है? ये लोग जो है क्या बोलेंगे? ये लोग का तो शर्म आना चाहिए, एक पानी चुल्लू में डूब जाना चाहिए। एक तरफ कहते हैं कि बेटी जैसी बचाओ, दहेज बताओ, और दूसरा तरफ कहते हैं बेटी भगाओ। ये लोग क्या बात करेंगे? इनके बात से सहमत है? मैं इनके बात को समर्थन करता हूँ। ये फर्जी है, झूठेबाज, जमलेबाज है, और बच्चियों के साथ अत्याचार जुल्म हो रहा है। एक तरफ बच्चियों की बचाने की बात करते हैं, शहर में जो हो रहा है इनको शर्म आना चाहिए। शर्म आना चाहिए क्या? आप लोग यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं, इतना गंभीर ये मामला, ठीक है? इधर माइक में बोले, माइक में बोले, उधर देख के नहीं बताइए। अभी जब इनका सरकार था राजद का, तो इनके नेता अभी भी सजा काट रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि हमारे सरकार में ऐसा, हमारे सरकार में, हम लोगों की सरकार में तो जनता को सुरक्षा मिल रहा है, जांच चल रही है, इसमें अपराधियों को सजा नहीं। क्या इतना दिल मिला के आप बोल रहे हैं? अरे आप ही के नेता राजबल्लभ यादव सजा काट रहे हैं, क्या उनके लिए आपको दर्द नहीं है? क्या उनको आप नहीं बेसहम कर सकते हैं? और आज हमें मालूम चला, हमें मालूम चला, हमने अभिनव गिरफ्तारी किया, हमने तुरंत कार्रवाई की, हमने तुरंत कार्रवाई की, और हम उस दोषियों को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक पूरी गिरफ्तारी। गलत बात है, वो गिना रहे हैं राजबल्लभ यादव नवादा से आपके विधायक हैं, वो भी तो जेल में सजा काट रहे हैं ना इसी तरह के मामले में। इसी तरह इनके पिछले विधानसभा में एक महिला ने इनके विधायक की हत्या कर दी थी और अपने ऊपर शोषण का आरोप लगाई थी, वो तो सब जज जाए। गिना तो रहे हैं राजबल्लभ यादव आपके विधायक के नवादा, तो विधायकों ने किया है। आप बिहार में देखा जा रहा है कि औरत के साथ क्या कर रहे हैं, हर जगह लड़की के साथ बलात्कार हो रहा है। आप वो कह रहे हैं कि आप लोग भी कम नहीं है, आप लोग भी कम नहीं है, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, आप लोग भी कम नहीं है, वो कह रहे हैं जी। महिलाओं के साथ अपराध के मामले में राजबल्लभ यादव का नाम लिया जा रहा है, वो कह रहे हैं आपके भी तो एक विधायक के साथ इस तरह का मामला था। राजबल्लभ यादव जो कुकृत किए, उसका जो उनके पार्टी की सरकार थी लालू यादव या उनका पूरा कुनबा था, उनका उसमें पूरी सरकार से मिलीभगत था। राजबल्लभ यादव जो घटना किया, कुकृत किया बच्ची के साथ, उसके लिए उसको भगवान माफ। नहीं, लेकिन वो ठीक है, राजबल्लभ यादव को सजा मिल गई, लेकिन ये बताइए, इधर आइए आप लोग लगातार, इधर आइए सर, इधर आइए, ये बताइए मुजफ्फरपुर में हम है ना, यहाँ की बात करेंगे ना, आप लोग को नहीं लग रहा है कि इतना गंभीर मामला है? 29 बच्चियों के साथ रेप हो जाता है और किसी को पता नहीं चलता। सबसे बड़ी बात मैम ये कि अगर जैसे रेप जैसे मामले हैं, इस पे अगर हम लोग ये देखेंगे उस सरकार में इतना रेप हुआ, इस सरकार में इतना रेप हुआ, तो हम लोग तो इस बात के मतलब इस बात की गहराई में जा ही नहीं रहे हैं, बस हम लोग राजनीति ही कर रहे हैं। गंभीरता क्या है बताइए? गंभीरता यही है मैम कि आज रात के 9 बजे के बाद शहर में ये हालत है कि कोई बच्चा लड़का भी घर से बाहर नहीं निकलता है, लड़की के बात तो दूर की बात है। यार इतने गंभीर हालत, इतने बुरे हालात आप लोगों ने पैदा कर दिए हैं। वो कह रहे हैं महिलाओं और लड़कियों की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, अब लड़के भी 9 बजे के बाद घर के बाहर नहीं निकलते। बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप इस शहर में आई है और मैं चैलेंज करता हूँ, आप इस शहर में घूमिए 10 बजे के बाद, 11 बजे रात में अकेले जाइए, स्कूटी से जाइए, अगर कोई भी अवरोध पैदा हो, कोई किसी तरीके का कोई दृष्टता हो, तब मैं मानूंगा इनका। क्राइम बढ़ नहीं रहा है साल भर में, आपने देखा है क्राइम का आंकड़ा क्या हो गया है? नहीं, क्राइम मैं नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर क्राइम होता है तो उस पर कार्रवाई होती है, और सरकार ने प्रशासन को पूरी छूट दे रखा है कि जो भी अपराधी है उसको उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक। ये कह रहे हैं कि जो भी अपराधी है उस पर लगाम लगाने का काम तो हम ही कर रहे हैं, आपकी सरकार में तो कुछ नहीं होता था। अरे भैया आज का अखबार पढ़िए ना, आज का टोल पर टोल वसूलने वाले को गोली मार दी गई, मुजफ्फरपुर में बैंक से रुपया ले जाने वाले का रुपया छीन ले जाता है सिपाहियों का, सिपाहियों को गोली मारी जाती है, इस शहर में रोज डकैती होती है। ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया ये बताइए? जेडीयू क्या आपका साथ छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए, उसके बाद क्राइम के आंकड़े अचानक से बढ़ गए, अब ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, आज के तारीख में नीतीश कुमार का और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इकबाल घट गया है, क्योंकि ये फर्जी बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठा प्रचार। खाली फर्जी काम आप लोग जानते हैं, बाकी सही काम तो करना आता नहीं, आरोप लग रहे हैं। मैं बिल्कुल सही काम करता हूँ, हमारी पार्टी सही काम करती है, कोई फर्जी आरोप लगाते ये विरोधी हैं, और पूरे अपराध के आंकड़े इन आरजेडी के खजाने में जमा है। मैं कहना चाहता हूँ कि वो लोग बोलते हैं कि आज सुरक्षित नहीं है, लड़के सुरक्षित नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ शहर को छोड़ दीजिए, आज ग्रामीण सुरक्षित है, आज 2 बजे रात में भी लोग ग्रामीण आते जाते हैं, दिन में लड़कियों को उठाया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि सब लोग सुरक्षित हैं। जहानाबाद का वीडियो देखा होगा ना सर आपने, गया का वीडियो देखा होगा ना आपने, कैसे वीडियो बनाया जा रहा है लड़कियों को उठाकर। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा
कि आज घटनाएं हो रही है, आज वीडियो और सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है और उस पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन पहले की सरकार में ये कोई जानता नहीं था कि कौन उठ रहा है, कौन जा रहा है, कौन मर रहा है, कौन खप रहा है, कौन किसको लेके जा रहा है। ये कह रहे हैं कि पहले की सरकार में तो पता ही नहीं चल, उस समय आरजेडी में थे, इनके पिताजी आरजेडी के अध्यक्ष थे और इन्हीं के कारण जिलाधिकारी हजाए भी गए थे, इसलिए ऐसी बात नहीं है। जो लोग हमारे पार्टी में गड़बड़ थे वो आज भाजपा में चले, कह रहे हैं आप गड़बड़ थे ऐसे भाजपा में, पिताजी के साथ इन्होंने काम किया है, मेरे पिताजी के साथ इन्होंने काम किया है। व्यक्तिगत नहीं होंगे, पार्टियों की बात करते हैं, पार्टियों की बात। मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पार्टी छोड़कर आया हूं क्योंकि वहां अत्याचार और अन्याय होता है, न्याय नहीं होता है। मैं न्याय के साथ विकास के साथ हूं और निश्चित रूप से बिहार में विकास हुआ है। वो 20 साल वो गिना रहे जल्दी से जल्द 20 साल पहले की जो हालत थी उनसे दिल पे हाथ रख के पूछ लीजिए, भाई सम्मी जी आप दिन में चल नहीं सकते थे और रात की बात करते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि दिन में चल नहीं सकते थे, रात की बात करते हैं, आप तो बहुत सुरक्षा हो गया यहाँ पे। सृजन और शौचालय पे कुछ हुआ? जितने तरह के अपराध हुए उस पर कुछ हुआ? एक जने जो कह रहे थे आप रात में घूमिए, अगर आपके साथ कुछ हो गया तो जांच करता भी वही होगा जो कुछ करेगा। हाँ। और यही बिहार की वर्तमान में स्थिति है, ऐसे ही नहीं अपराध बढ़ा है। दूसरी बात है कि जब आप लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन अपराध बढ़ा है, आप लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए। हम लोग रोज करते हैं, रोज हमारा प्रेस ब्रीफिंग जाता है और रोज हम लोग कई सारे प्रोग्राम भी करते रहते हैं, धरना प्रदर्शन मांग कर सकते हैं ना। विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, ताकि सरकार से वो सीधे सवाल पूछे। एक है जो बोल चुका है वो नहीं, जो भी आज सर बोले हैं ना, हमारे अनुसूचित चच्चा है, वो बोले हैं कि अपराध कम रहा है। एक स्टूडेंट को एक गाड़ी के लिए, गाड़ी की चोरी के आरोप में उनकी हत्या कर दी जाती है और उनको फेंक दिया जाता है। हर एक एक दिन मुजफ्फरपुर शहर में एक हत्या होती है, उनका जिम्मेदार कौन है? मैडम ये हमको बताया जाए कि जंगल राज लालू जी के राज में चलता था, मगर अभी भाजपा के लोग बताए कि ये कौन राज चल रहा है, जो जिंदे बोल चुके जो नहीं बोला है वो। कम से कम तो ये पता है कि राम राज चल रहा है, अभी कैसे चल रहा है, कैसे चल कैसे कहते हैं राम राज, बलात्कार होता था पहले, अभी भी होता है, लेकिन कार्रवाई हो रही है। पहले अपराध होता रहे, कार्रवाई होती रही, उसे राम राज आ गया। इधर आइए ये कौन सा राम राज्य है जहाँ पर इस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार होता है? ठीक है, जैसा कि पूर्व के बंधु ने कहा कि अपराध की इतनी असर बढ़ गई है कि वो रात 9 बजे के बाद नहीं जा पाते हैं घर, तो मैं खुद सामाजिक जीवन से हूँ, मैं अक्सर 10 बजे के बाद घर जाता हूँ। हाँ, मैं उनकी बातों को नकार नहीं सकता क्योंकि जब राजद समर्थित अपराध बढ़े कि नहीं बढ़े, मेरी बात सुन लीजिए, बढ़े हैं कि नहीं बढ़े, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, जब राजद समर्थित सरकार आई थी तो अपराध का स्तर बढ़ा था, राजद के गुंडे सक्रिय हुए थे, पर फिर से जब जंगल राज खत्म हुआ, नीतीश जी की सरकार आई, तो फिर ये खत्म हो गया। क्या हो गया? आज जो गुंडे जितने भी पकड़ा रहे हैं वो सारे राजद के होते हैं, जितने भी लूट होते हैं राजद के आदमी। अभी 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 जो पकड़े गए हैं वो किसके, उनको किसका समर्थन है? नहीं 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 नहीं, अभी जो पकड़ा गया है राजद के आदमी है, वो राजद के आदमी है। और अभी क्या बोल रहे हैं? ये सुशासन का राज चल रहा है, नीतीश कुमार एनडीए की सरकार सुशासन की सरकार चल रहा है, और सुशासन की सरकार एनडीए जो बोलते थे सुशासन की सरकार, सुशासन बिहार सरकार, सुशासन क्या क्या आ गया, क्या बोल रहे हैं? ये जो बात कर रहे हैं सुशासन की, इनकी राजद का जो सरकार था वो बालू माफियाओं से इनका परिवार चला करता था, बालू माफियाओं से। अपने अपनी जगह पर जाएंगे वीडियो नहीं बना, अपने अपनी जगह पर चलिए बताइए। ठीक है सर, आप अपनी जगह पे चलिए, मैं आतो रही हूँ आपके पास, बताइए। कभी कठुआ कभी उन्नाव कब तक चलता रहेगा अत्याचार बेटियों पे और महिलाओं पे? बीजेपी के विधायक मंत्री क्यों सपोर्ट? ठीक है क्या बोलना चाह रहे, क्यों नाराज है? मैं बोलना चाह रहा हूँ मैडम कि ये जो राज्य सरकार है बोलती कुछ है करती कुछ है, अभी भी जो 29 रेप पीड़ित लड़कियों के लिए जो जिम्मेवार दोषी जो एनजीओ है, उस एनजीओ को अभी भी राज्य सरकार से अनुदान मिल रहा है, अभी भी कल चेक मिला है, अनुदान मिल रहा है। हमें जैसे ही मालूम चला हमने अविलंब गिरफ्तारी किया, हमने एक क्षण भी इंतजार नहीं किया और गिरफ्तारी शुरू की। क्या क्यों मिला कल राज्य सरकार चेक क्यों दी, उसका सस्पेंड करें एनजीओ को, चेक क्यों? एनजीओ को बचा रही है, बात नहीं रखते हैं हम, काम की बात करते हैं। हमें जैसे ही 29 रेप के बारे में पता चला हमने अविलंब गिरफ्तारी शुरू की, हमने तक क्षण भी लेट नहीं
गिरफ्तारी किया और अभी भी गिरफ्तारी चल रही है। ऐसा होना चाहिए, इन पर रोक नहीं। सरकार का इतना इकबाल तो होना चाहिए कि घटनाएं ना हुई है। दरिंदों की कमी नहीं है और सरकार हर दरिंदों पर नजर भी नहीं रख रही है। ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? ऐसे लोगों के साथ हमेशा फांसी की सजा होना चाहिए। और अगर बीजेपी आज फांसी की सजा घोषित कर भी दे तो विपक्षी पार्टी इस पर भी अपना आक्रोशित करेंगे। इस पर भी अगर ये बड़ा सवाल है आपको बताने इस देश का बल्कि बिहार की राजनीति का भी ये दुर्भाग्य है कि यहाँ पर अपराधियों की जाति तय कर दी जाती है कि अगर वो दूसरी जाति का है, यादव जाति का है, तो फिर उसे आरजेडी के लोग इत्तेफाक नहीं रखेंगे। कुछ लोग अगर नीतीश कुमार की जाति से ताल्लुक रखेंगे तो कहेंगे उनका अपराध कम है। इसी तरह दूसरी पार्टियों का भी हाल हो गया, यानी कि अपराध के आंकड़े बढ़ते हुए चले जा रहे हैं और उनको जातियों में बांटने की राजनीति भी एक अलग दिशा और दशा लेते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन देखिए आरजेडी के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं, आप लोग तो कम नहीं थे, उसके बाद ये लोग आए, इन लोगों ने कम तो किया, कम से कम अपराध, इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। आज किसी भी आंकड़े में, डकैती में हो, चोरी में हो, रेप में हो, औरतों के साथ बलात्कार में हो, 15 से 10 गुना इनका सरकारी आंकड़ा बताता है कि बिहार में रेप बढ़ गया है, बलात्कार बढ़ गया है। वो कह तो रहे हैं हमारे वहाँ कम से कम FIR दर्ज तो हो रही है, आपके समय में तो होता ही नहीं था, थाने ही बिके हुए जी। नहीं, मेरे ही समय में होता था, इनके समय में फर्जी प्रचार के अलावा कुछ नहीं होता है। मोदी के अलावा ही कुछ नहीं करते। नहीं, मोदी करते हैं, आप लोग बाकी कुछ करते नहीं है। ये सारी दुनिया देख रही है कि मोदी करते हैं तो हम क्या क्या करते हैं। आज गांव हर घर बिजली, हर घर रोड, हर घर नल आज कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है। हमारी बिहार की सरकार हो या भारत सरकार की सरकार हो, आज इन्होंने 70 साल और 60 साल में जो काम नहीं किया वो 4 साल बनाम 48 साल में हमारी सरकार ने करके दिखाई है। जो आज गांव में कहीं बिजली नहीं था, कहीं रोड नहीं था, कहीं कुछ नहीं था, आज सब जगह मिल रहा है, ये हमारी सरकार कर रही है। आज शहर में, आज के अखबार में है कि शहर के 90% इलाकों में बिजली नहीं थी और बिजली के लिए हाहाकार था। आज के अखबार को उठा के देखिए, सैकड़ों जगह रोड जाम था, टायर जला जला के मोहल्ले के लोग बिजली की मांग कर रहे हैं और बिजली नकली बिल दे रहा है। और यहाँ नकली बिल बनवा रही है क्या सरकार? आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर, बिल्कुल गलत है। आज 24 घंटे में लगभग 22 घंटे मिल रहा है बिजली और लोग उम्मीद करते हैं 24 घंटे मिले। मिल रही है क्या बिजली? 22 घंटे मिल रही है क्या बिजली? हाँ या ना? इनके शासन में 6 घंटे बिजली मिलता था और लोग उम्मीद करते कम से कम 8 और 10 घंटे मिले, यही फर्क है। और मैं बताता हूँ, अपराध और अपराधी की बात ये करते हैं, आज जनता दल यू या भाजपा के किसी भी बड़े नेता को मालूम है अगर वो कानून के किसी भी उसको तोड़े तो उनके साथ उतनी सख्त कार्रवाई होगी। कागजी कार्रवाई ये वो, ये कब तक गिनाएंगे ये बताइए? बच्चे 7 साल से लेकर 17 साल उम्र है उन बच्चियों की जिनके साथ इस तरह के मामले सामने आए हैं, आप कागजी कार्रवाई की बात कर रहे हैं? नहीं बिल्कुल, ये बहुत ही घिनौना हरकत है और जैसे ही पता चला पूरे SP और सब लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दिया। अधिकतर आरोपी जो हैं वो जेल में हैं। अधिकतर आरोपी जेल में है, वो कह रहे हैं देखिए हमने तुरंत कार्रवाई की है। चूंकि देखिए मुजफ्फरपुर में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, यहीं पर ये सबसे बड़ा मामला RJD ने इसको लेकर बंद भी बुलाया था, 29 लड़कियों के साथ रेप के मामले, वो भी शेल्टर होम से, इसी वजह से ये सबसे बड़ा मामला है जिसको इस वक्त हम मुजफ्फरपुर की धरती से उठा रहे हैं। बताइए क्या कह रहे हैं? वो कहना है कि हमने की तो है कार्रवाई। देखिए कोई कार्रवाई नहीं हुई, अगर कार्रवाई हुई होती तो जितनी गिरफ्तारियां होनी चाहिए थी होनी चाहिए थी। अभी ये एक भाई साहब हमारे से बोल रहे थे जो 7 निश्चय एक कार्यक्रम था जो महागठबंधन ने, कांग्रेस राजद जदयू ने एक तय किया था, एक मिनिमम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में पिछले एक साल में जब से भाजपा ने ज्वाइन किया है जदयू को तब से क्या हुआ है? कुछ काम नहीं हुआ है और उसका एक वजह है क्योंकि जनादेश का अपमान करके जिस तरीके से ये लोग पलटू मारे। लेकिन आपको तो फायदा हुआ ना RJD अब आपके साथ रहे, मतलब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भी अब तेजस्वी यादव उनके आंख मारने तक को लेकर सपोर्ट वो कर रहे हैं। मैडम बिल्कुल बिल्कुल, जो फायदा होना है वो होना है, फायदा हम अपने लिए नहीं चाहते हैं, आम जनता के लिए चाहते हैं जो बेहतर। अच्छा ये बताइए किसानों के मुद्दे, गरीबों के मुद्दे उठाते ये आंख क्यों मारने लगते हैं राहुल गांधी? ये कौन सी सभ्यता है? अच्छा बहुत बहुत बेशर्मी के साथ अगर कोई व्यंग्यात्मक हंसी कोई प्रधानमंत्री आक्रमण हाथ रहा था तो क्या वो बहुत बढ़िया था? और आपको पता है आंख मारने की भी सजा होती है। उस एक मिनट अगर आंख मारा किसी ने, अगर संसद में लोग कुर्सी फेंकते हैं, स्प्रे छींटते हैं, कागज फाड़ते हैं, डॉक्यूमेंट फाड़ते हैं,
और आंख मारना अगर कोई अपने साथी को बधाई पे धन्यवाद दे रहा है तो उसमें तो बुरा भाई नई तरह की बधाई, आंख मार के नई तरह की बधाई। चलिए अब आगे बढ़ते हुए, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है बिहार का नेता कैसा हो, अब उसका हम रुख करते हुए सीधे जान लेते हैं। आप लोग अपनी अपनी जगह बैठिए, अपनी अपनी जगह बैठिए, तब मैं आऊंगी पीछे की ओर, जाऊंगी मैं पीछे की तरफ। जो लोग पीछे बैठे हुए हैं उनको आप बिल्कुल जगह नहीं दे रहे, मैं उनके पास जाऊंगी। बताइए खड़े हो जाइए, कौन बोलेगा बिहार का नेता कैसा होना चाहिए, खड़े होंगे। मैं क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन राजद के प्रवक्ता से है, ये मुजफ्फरपुर की घटना पे चर्चा हो रही है, इतने दिन से कुकर्म हो रही थी तो अभी तक राजद के और कांग्रेस के लोग कहां सो हुए थे अपने देश की समय सत्ता में, कहीं ना कहीं उनकी भी तो भागीदारी उसमें, उनके भी भागीदारी है। नहीं नहीं, जो बोल चुका है वो नहीं, जो बोल चुका है आप बोल चुके हो आप। मैडम ये इसी इंतजार में रहते हैं कि कोई घटना घटे मैं अपना चेहरा को पब्लिसिटी करूं, ये इसी इंतजार में रहते हैं, जो जिसके घर में चल रहा है वो आज जेल में है, और ये इंतजार में रहते हैं कि कोई घटना घटे, और इनका परिवार, और इनका परिवार, इनका परिवार बालू, इनका परिवार बालू के माफियाओं के से चलता है फंडिंग से, इनका परिवार। ठीक है क्या बोला। मेरा सवाल आरजेडी और कांग्रेस से है कि अभी तक आज तक संसद की कार्रवाई देखता रहा हूं, ये लोग हर मुद्दे पे जीएसटी और नोटबंदी की बात करते हैं, कहते हैं कि देश को इससे सबसे ज्यादा घाटा हुआ, हमारे भारत ने इसका घाटा उठाया। आप इस बात का जवाब दीजिए कि अगर देश ने घाटा उठाया तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जीडीपी 7.8% इंडिया की क्यों है। और माइक पकड़ के भाषण नहीं दीजिए, सवाल पूछे, सवाल पूछे, सवाल पूछे, क्या हो गया। झूठ है, बिल्कुल झूठ है, आंकड़ा पेश कर रहा है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम 15-15 लाख रुपया ला के आपके खाता में देंगे, नहीं आया। और फर्जी है, स्विट्जरलैंड में 50% काला धन बढ़ा है, ये कौन सा दोषी है। ठीक है ठीक है ठीक है, इसका जवाब इधर से लेते हैं, इसका जवाब इधर से लेते हैं। कभी नहीं, मोदी जी ने कभी ये नहीं कहा था कि 15 लाख खाता में आएगा। आ कहा था, कहा था, कहा था, उन्होंने ये कहा था कि जो देश में कर्ज है 15 लाख आपको खुश नहीं मिलती, जो विदेश का कर्ज है, विदेश में काला धन है, अगर आ जाए तो हर भारतीय जो है 15 लाख। आपको बता दें कि सैन के मुद्दे को हमने उठाया, बिहार का नेता कैसा होते हैं, खास शो के जरिए नरूला हत्याकांड भी यहाँ से सामने आया था, जहाँ पर एक महिला को उसके घर से उठाया गया और बाद में फिर उसके कंकाल पाए गए एक नाले में। तो इस तरह की स्थिति मुजफ्फरपुर की है। लेकिन चलिए चलते चलते आखिरी में अपने अपनी जगह पे चलिए, ये बताइए बिहार का नेता कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए बिहार का नेता, आदरणीय बिहार का कैसा होना चाहिए, एक आदरणीय तेजस्वी यादव, किसके कुमार जैसा, नीतीश कुमार जैसा, बिहार का नेता मोदी जैसा हो, नीतीश कुमार बिहार का नेता कैसा हो, बिहार का नेता ईमानदार हो, झूठ मूठ, बिहार का नेता नीतीश कुमार जैसा हो, यहाँ के बड़ा सवाल जिनको हमने सवाल था क्राइम का, कल आपसे ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।